रेडी है, कर रहे हैं हम लोग। कैसा लगा सर आपको, अच्छा लगा? एक्सपीरियंस अच्छा था? यस नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रोमन गो ब्लॉग। दोस्तों आज हम आप लोग को पिकनिक वीडियो दिखाएंगे। आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा में कोंडा में पिकनिक जा रहे हैं, तो पिकनिक का वीडियो आएगा आज। एक्चुअली हम लोग ये बीच का वीडियो नहीं बनाएंगे, आज पिकनिक ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे बहुत सारे एक्टिविटीज़ और वहाँ पे स्विमिंग वगैरह और फूड क्वालिटीज सब कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो एंड तक बने रहना। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा दोस्त लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे सब रेडी है, दिखाई ये सारे दोस्त लग जाएगा पिकनिक के लिए। अब दोस्त आई एम योर पिकनिक के लिए एक्साइटेड। तो दोस्तों बस आ गया, सब लोग बस में एंट्री हो रहे हैं, तो बस से जाएंगे। ये बड़ा हमारा एसी बस है दोस्तों। हाय मैम, लुकास, यस यस, लेट्स गो इनसाइड सर। ब्लॉग हो रही है, ब्लॉग, वी आर सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ योर ब्लॉग। यस थैंक यू। सो गाइस इनसाइड द बस लाइक दिस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नाइस एयर कंडीशन बस, यस वेरी एक्साइटिंग। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए ये फार्म, यहाँ पे हमारा पिकनिक होगा, एक्टिविटीज़ वगैरह होगा। आप देख सकते हैं यहाँ का नंबर वगैरह, अगर आपको कुछ प्लानिंग है यहाँ पे तो ये नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग गैदरिंग हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये एलिफेंट है, यहाँ 44 टिकट काउंटर है। हाय गाइस, फाइनली पहुंच गए हम लोग। हाय गाइस, we came to Goa first time, yes we are excited, excited, thank you so much. We are at Nandangan, kya dekha, Nandavan, Nandavan Goa, Nandavan Goa, okay. Kya ho raha hai, entry pass ho raha hai na, pass de raha hai yahan pe, entry pass chalta hai sabko par. Hello, oh amazing, well gari isne bag lat kar diya yahan pe. तो दोस्तों हम लोग एंटर करते हैं फार्म में। अरे बैग किसी का छूट गया, हेलो, अरे किसका बैग मिला है, किसी का बैग छूट गया, बैग बैग कौन है, बैग का मालिक करके ले ले। यहाँ पे फुलू से स्वागत करिए जा रहे हैं हम लोग को, फुलू से स्वागत किया वो, थैंक यू भाई, थैंक यू, ओके नाइस। तो फुलू से स्वागत किया है दोस्तों यहाँ पे, तो हम लोग ब्रेकफास्ट एंट्री करेंगे यहाँ पे। यस ब्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ सर। तो ब्रेकफास्ट एरिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, वाओ अमेजिंग अमेजिंग प्लेस, बिग फार्म, बिग रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो दोस्तों, सूखी भाजी नाइस, पाव भाजी। हाँ संतोष भाई, पाव भाजी है इसमें, रोहन पाव भाजी, ग्रीन टी, लेमन टी है। डेढ़ बजे हम लोग आपका लंच आपका स्टार्ट करेंगे, लंच यही ले लेगा, वेज नॉन वेज बफे रहेगा, ठीक है, डेढ़ बजे स्टार्ट रहेगा, ढाई बजे तक रहेगा ओपन, ढाई बजे लंच हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इवनिंग 4 से 4:30 आपकी इवनिंग टी रहेगी, टी एंड सम बिस्किट, 4 से 4:30 और आपकी कपड़ा भी मंगाए, 4 से 4:30 तक रहेगा इवनिंग टी आपका। 4:30 बजे फिर हमारा स्विमिंग वगैरह सब एक्टिव वगैरह सब बंद, ठीक है। तो 5 बजे फिर चेक आउट है, आपको शॉपिंग किया है, वेज करना है, यहाँ पे काउंटर है के पास, के काउंटर है, दोनों जगह आप कर सकते हो। कुछ अगर एडवेंचर एक्टिविटीज करना है, हमारे एक्टिविटीज है एटीवी, जिप लाइन, टारगेट शूटिंग, आर्चरी, ह्यूमन गायरो, बंजी रैपलिंग, ग्रैंड स्विम वगैरह, ये हो गया आपका ओवरऑल पैकेज, ठीक है। तो एंजॉय योर डे और स्विमिंग पूल के पास जरा आराम से। ब्रेकफास्ट खत्म हो गया दोस्तों, अभी जाएंगे हम लोग स्पाइस प्लांटेशन टूर के लिए,
तो गाइड करेंगे। तो ये ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया, शुरू हो रहा है अभी हमारा टूर का स्पाइस प्लांटेशन। स्पाइस प्लांटेशन के लिए लेके जा रहे हैं। ओके, आपका नाम क्या है? रॉय। रॉय, ओके, रॉय लेके जाएगा हम लोग को स्पाइस प्लांटेशन। श्रीजीत लेके, ओके, श्रीजीत हम लोग एक्सप्लेन करेगा, यहाँ पे गाइड है तो स्पाइस के बारे में बताएगा दोस्तों यहाँ पे। आपका नाम क्या है? श्रीजीत। ओके, श्रीजीत हम लोग को एक्सप्लेन करेगा अबाउट स्पाइस के बारे में। तो ओके, बाद में बताऊंगा आपको। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, स्पाइस के बारे में एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे सब लोग। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नंदन वन। तो स्पाइस टूर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगा अबाउट दिस प्लेस। ओके, तो ये जो हमारा पूरा प्रॉपर्टी है ना, ये 200 एकड़ का है, तो हम पूरा 200 एकड़ तो घूम नहीं पाएंगे क्योंकि 200 एकड़ तो घूमना भी पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग जस्ट हमारा डेमोस्ट्रेशन एरिया है ना, उतने एरिया में जाएंगे। तो हमारा जो है ना वो 2 सेक्टर है। पहला वाला जो है कमर्शियल है भाई। कमर्शियल सेक्टर जो रहता है ना, वहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो भी मसाले वगैरह हम हार्वेस्ट करते हैं ना, वो वहाँ पर करते हैं। तो अभी हम जो जाएंगे ना, वो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन एरिया होगा, यहाँ पर सिर्फ हमने डेमो के लिए प्लांट्स लगाए। ओके, तो हम लोग छोटा सा एक 10 से 15 मिनट का एक टूर करेंगे, उसके बाद पूल में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक झाड़ है ना, झाड़ के ऊपर एक बेल गया है, देखो एक क्लाइंबर गया है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं, देखो ग्रीन कलर के। सबको पता है कि कौन से दाने हैं? पीपर्स, पेपर्स, पेपर। तो पेपर जो रहते हैं कितने डेप्थ के रहते हैं पता है? थोड़ा ऐसा। अरे सुनो सुनो, क्या बोल रहा है? लो लो, प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू प्लीज। सो पेपर जो रहते हैं ना, वो कितने डेप्थ के रहते हैं पता है आपको? टाइप्स ऑफ पेपर, ब्लैक, ब्लैक और व्हाइट। हां, शेफ। सो एक्चुअली पेपर जो होता है ना, वो 4 टाइप्स के रहते हैं, ग्रीन, ब्लैक, रेड और व्हाइट। तो जब वो झाड़ पे होता है ना, हमेशा वो ग्रीन कलर का होता है। अगर आप उसको झाड़ पे ऐसे ही छोड़ोगे ना, तो स्लोली 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 रेड होते हैं। और आप रेड को निकालोगे, धूप में सुखाओगे, ये ब्लैक हो जाएंगे। वापस अगर आप रेड को निकालोगे और गर्म पानी में अगर इसे बॉइल करोगे ना, तो इसका जो आउटर कवर जो रहते हैं ना, वो रिमूव होते हैं, और उसके अंदर जो बचता है ना, उसे हम कहते हैं व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर जो रहता है ना, काफी माइल्ड होता है, ज्यादा फ्लेवर वगैरह नहीं होता। तो स्पेशली हम लोग जब भी चाइनीज डिश सूप वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना, उसमें हम लोग मोस्टली व्हाइट पेपर को यूज करते हैं। तो व्हाइट पेपर जो होता है ना, वो आईसाइड के लिए वगैरह काफी अच्छा होता है। आप में से किसी को यहाँ पर एसिडिटी प्रॉब्लम? तो गाइस, पीपर के बारे में जो एक्सप्लेन किया बहुत ही बढ़िया था। अभी दूसरे स्पाइस दिखाने लेके जा रहे हैं। दिखता है टर्मरिक के जैसे, लेकिन टर्मरिक का नहीं है। तो ये जो प्लांट है ना, ये हमारा वर्ल्ड का 3rd most expensive स्पाइस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का हमारा 3रा महंगा मसाला है। तो आप सबके घर में आप स्वीट डिश वगैरह बनाते रहेंगे ना, तो स्वीट डिश में आप कुछ डालते हो छोटा सा ग्रीन कलर का? इलायची। हाँ, ये इलायची का जार, कार्डमम। तो आपको तो पता रहेगा इलायची जो रहती है ना, कार्डमम जो रहता है ना, काफी महंगा रहता है। 5,000 रुपीज per kg, 6,000 रुपीज per kg इसका मार्केट में प्राइस चलता है। तो आपको पता है कि एक जार पे इलायची कहाँ ग्रो होती है पता है आपको? कहाँ लगती है पता है? अंडरग्राउंड छोटा है। सो एक लवंग का जो झाड़ रहता है ना, उसे ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 years लगते हैं मैच्योर होने के लिए। तो आफ्टर 20 years हमें प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होता है। सो आप सबने नोटिस किया रहेगा, मार्केट में ना हमें लवंग जो रहता है हमेशा 2 तरह का कम मिलता है। एक जो रहता है ब्लैक रहता है, दूसरा जो रहता है ब्राउन रहता है। सबको पता है क्या डिफरेंस होता है? एक्सप्लेनिंग अबाउट लॉन्ग लॉन्ग स्पाइसी। ये देखो सब लोग एंजॉय कर रहा है दोस्तों, देख लीजिए। ए मोटो देखा, मोटो पतलू। ए देखो देखो क्या हो रहा है भाई, लगा उसको, लगा लगा। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज हो रहा है दोस्तों, स्लाइस डाउन। ये डर रही है, बहुत डर रही है।
अरे दादा ए, खाना रेडी है। हाँ गाइस पूरा एंजॉयमेंट है। हाँ बढ़िया से खा लो, एंजॉय है सलाद। हाँ अच्छा अच्छा खाना, पेट भर के खाना है। हाँ आधा खाना मत करो, चिकन चिकन मसाला, चिकन मसाला ले रहा है। प्रदीप क्या हो गया, क्या लिया तुमने? हाँ प्रॉन्स करी ले लो भाई, एंजॉय। फ्राई राइस देवतोस, अच्छा है खाना, एकदम बढ़िया। हमारे देवतोस है, प्रदीप है, एकदम एवरीथिंग इधर। किंग फिश भी है इधर, फ्राई राइस, फ्राई फिश ना, फ्राई फिश बढ़िया। कोकम शरबत है। मसाला चिकन, मसाला चिकन ओके ओके। फ्रांस करी, अच्छा मजा आया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोस्तों फाइनली हम लोग का स्विमिंग खत्म हो गया, अभी हाईटी के लिए सब लोग जा रहे हैं, तो हाईटी के बाद हम लोग घर निकलेंगे। तो ये फाइनल कर रहे हैं हम लोग। कैसा लगा सर, आप लोग को अच्छा लगा? एक्सपीरियंस अच्छा था? यस यस यस, थैंक यू सर, अमेजिंग। ओके एंजॉय, ओके 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 ओके, एवरीबॉडी एंजॉय इट, ओके ओके। टुडे इज माय लास्ट डे, ओके, सो आई एम लीविंग माय नेटिव प्लेस, सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस माय एचओडी एंड माय जीएम टू दैट फर्स्ट अक्टूबर दे विल डिसाइड। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके। दोस्तों ये था दिन भर का ब्लॉग, हम लोग भी बहुत सारा एंजॉय किया है। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छा एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज थोड़ा मजाक एंजॉय वाला ब्लॉग था, थोड़ा मस्ती वाला ब्लॉग। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना आगे ब्लॉग में, और फिर इसका बीच का वीडियो बनाएंगे आप लोग को। प्लीज़ बाय बाय, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। सर लोगों का